दिल्ली में का सर्दी का आगाज होते ही बेसहारा सड़कों पर रह रहे लोगों के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा चलाए जा रहे रैन बसेरों में अब लोगों की संख्या बढ़ना शुरू हो चुकी है। तस्वीर हम आपको दिल्ली के कालकाजी इलाके की दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि रैन बसेरे के अंदर पहले जो लोग पहुँच रहे हैं उनके हाथों को सैनिटाइज कराया जा रहा है और चेहरे पर मास्क लगाए हुए ही लोग रैन बसेरे के अंदर पहुँच रहे हैं और उनको ही यहाँ पर रहने की सुविधा दी जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली के तमाम इलाकों में रैन बसेरे चलाए जा रहे हैं, उसी में से एक रैन बसेरा है कालकाजी इलाके का, जहां पर सारी सुविधाएं दी गई है जिससे कि लोग सर्दी से बच सकें। आपको बता दें कि हर साल सर्दी से मरने वालों का आंकड़ा दिल्ली में बढ़ता जाता है, लेकिन इस बार अभी सर्दी का आगाज शुरू हुआ है, उससे पहले ही दिल्ली सरकार के द्वारा जितने भी रैन बसेरे उनमें पूरी गाइडलाइन दे दी गई कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, सोशल डिस्टेंस के साथ लोग यहाँ रहेंगे, साथ ही साथ जो लोग आएंगे उनके हाथ को सैनिटाइज कराया जाएगा और चेहरे पर मास्क लगे होने के बाद ही वो लोग रैन बसेरे में रहेंगे। तस्वीरें हम आपको दिल्ली के कालका इलाके के दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए रैन बसेरे के अंदर जो लोग हैं वो यहां पर रह रहे हैं। मास्क लगाइए, मास्क। आपका नाम बता दीजिए। हम केशान जी। किस तरीके से इस रैन बसेरे में सर्दियों के समय सुविधा दी जा रही है, क्या क्या सुविधाएं जो आप अभी क्या देंगे? सोने के लिए कंबल दिया जा रहा है, बेडशीट दिया जा रहा है, तकिया दिया जा रहा है और साफ सफाई बहुत ही उत्तम व्यवस्था है यहाँ पे। तो सर्दियों में अच्छे से रात काट रहे हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, कोई कमी नहीं, कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। क्या काम करते हैं आप? सर मैं डाइविंग का जॉब करता हूँ। तो रोज इस रात रैन बसेरे में आते हैं? जी मैं रोज रात को यहाँ आता। नाम? रमेश राय। आप यहाँ पर मैनेजर हैं यहाँ पे, तो किस तरीके से आप लोगों की व्यवस्था यहाँ सुविधा पूरी तरह से देख रहे हैं? हमारे यहाँ रहने के वो व्यवस्था जो है वो बेडशीट है, बेड हुआ और कंबल हुआ ओढ़ने के लिए, पीने के लिए पानी आरओ का है, उसके बाद जो है वो लेट्रिन बाथरूम की सफाइयत और क्या बोलते हैं पीने के लिए तो पानी अवेलेबल है ही है। तो जैसे अब कोरोना वायरस भी है और सर्दी भी है, तो किस तरीके से दोनों चीज़ आप मेंटेन कर रहे हैं जब लोग आते हैं? आते हैं तो उनको सैनिटाइज आते ही सैनिटाइजर किया जाता है, उसके बाद मास्क लगवाया जाता है, साबुन से हाथ धुलाई किया जाता है, उसके बाद जो है अपना रहने का जो है व्यवस्था दिया जाता है। तो कोई अभी शिकायतें हैं लोगों की, कुछ असुविधा भी है क्या यहाँ पे? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बाद बाकी सारे सामान अवेलेबल है। आप देखिए। नाम? मेरा सर नाम है राजू पंजाबी जी। क्या काम करते हैं आप रैन बसेरे में, कब आते हैं? मैं सर मैं ये ड्राइविंग का काम करता हूँ, लेकिन मैं इस रैन बसेरे से जुड़ा हूँ मैं 8 साल से। ये संस्था जो इतनी अच्छी संस्था है जो SBI में इसको चला रही है, हम तो शुक्र गुजार हैं उस सरकार के और इस रैन बसेरे के जो इसका संचालक है डॉक्टर राजेश, जिन्होंने इतनी अच्छी सुविधा हमारे को दे रखी है। अपना कोई ठिकाना नहीं है, हम बाहर के रहने वाले हैं, इधर मेरे को 8 साल हो गए इधर रहते हुए। अपना सुबह जाते हैं जॉब पे, अभी लॉकडाउन के अंदर इतनी अच्छी वो इन्होंने सुविधा दी है कि इतना तो आदमी अपने घर पे भी कोई भी इतना नहीं कर सकता जितना इन्होंने अच्छी सुविधा दी है। अब ठंडियों का मौसम आ गया तो क्या देखते हैं आप? इतनी अच्छी सुविधा है, देखो नहाने के लिए गर्म पानी है, गीजर है, ओढ़ने के लिए कम्बल है, जो आप ये सब देख रहे हो इतनी अच्छी सुविधा है। और देखो हम तो मेरा तो इतना इलाज कराया इस संस्था ने, मेरे पैर में भी एक्सीडेंट हुआ है, आप चाहो तो एक बार ही देख सकते हो कैमरे से। तो इतनी अच्छी फैसिलिटी इस संस्था के अंदर है SBI के अंदर, तो हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं इनका।